आखिरकार क्यों इतना खास हो गया है गुजरात का यह चुनाव? 182 सीटों पर होना है चुनाव और दो चरणों में जो बटा हुआ है चुनाव, इसके लिए अगर हम भाजपा का प्रचार अभियान देखें, टटोलें, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन सबको दो एजेंडे ही समझ आ रहे हैं। दोनों एजेंडे नफरत के एजेंडे हैं। एक तरफ योगी जी बात करते हैं 2002 की, मुसलमानों की, पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वह बात करते हैं आफताब 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 की। आखिर क्या वजह है कि गुजरात में जो मोरोबी पुल हादसा होता है वह मुद्दा नहीं बना? क्या वजह है कि कोरोना में जो बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ वह मुद्दा नहीं बना? क्या वजह है कि जो बेरोजगारी इतनी चीख चीख कर हर कोने से बोल रही है वह मुद्दा नहीं बना? क्या वजह है कि जो बड़े पैमाने पर यहाँ भुखमरी और कुपोषण है वह मुद्दा नहीं बना? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि जो गुजरात का विकास मॉडल है, उस विकास को क्यों मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री सब भूल चुके हैं, विकास की एक बात नहीं है? क्या वजह है कि गुजरात का यह चुनाव एक बार फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर हो रहा है, अर्बन नक्सल के मुद्दे पर हो रहा है? क्यों इसमें निशाने पर वे तमाम लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं? क्या मोदी जी का जो पूरा घटनाक्रम विकास का 95 से चल रहा है उसने अपनी जमीन पूरी तरह से खो दी है? आइए बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों से जो जुड़े हुए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रसाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों दोबारा बीजेपी को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ रही है बार बार 2002 को जिंदा करने की। 2002 में जिस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि यह एक गौरव का मुद्दा था, हमने बहुत सी चीजों को निपटा दिया, फिर हम देख रहे हैं कि लगातार बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उन्हें छोड़ा गया 15 अगस्त से। 15 अगस्त से ऐसा लगता है कि तैयारी शुरू है गुजरात चुनाव की, क्या वजह है? उनका USP अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट यही है, हेट्रेड और कम्युनल पोलराइजेशन। उसके अलावा कोई भी मुद्दा तो उनके लिए तो यूनिक नहीं है ये। बाकी सब मुद्दे तो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों के लिए, विकास के मुद्दे हो या फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा या कोई भी, ये सब मुद्दे तो कॉमन है। 2017 में 2002 मुद्दा नहीं बना था इस तरह से। 2019 में भी मैं यहाँ आई थी जब लोकसभा चुनाव थे, उस समय भी 2002 एक मुद्दा नहीं बना था। 2014 से बीजेपी विकास 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 बोल रही है और गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही है, फिर क्या वजह है? क्या जमीन खिसकी है बीजेपी की, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि गुजरात मॉडल जो एक फेक मॉडल था, ये मॉडल तो कभी था ही नहीं, और इसका फेलियर तो हर जगह पे दिखाई देता है कि विकास वो विकास के आधारित नहीं था। इट वॉज अ मॉडल विच नेवर वर्क्ड। सो अगर गुजरात मॉडल के सक्सेस के लेके अगर इलेक्शन लड़ा जाए तो मेरे ख्याल से तो वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन का जो एजेंडा है उसको शिफ्ट करें, और ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये मुद्दा तो है, अपने बैकग्राउंड में ये मुद्दा तो हमेशा था और है और रहेगा भी, क्योंकि उसके अलावा कोई मुद्दे से बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकते। इट कैन ओनली बी हेट्रेड एंड कम्युनल पोलराइजेशन, और तो 2002 उसके लिए तो एक सक्सेसफुल मॉडल था कम्युनल पोलराइजेशन और हेट्रेड के लिए। तो इससे उसको याद दिलाना उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं जी, आप बताएं कि आप तो जमीन पे बिल्कुल दूसरे ढंग का काम कर रहे हैं, इस बार क्या दृश्य लग रहा है? अभी हम बात कर रहे हैं, आज 28 तारीख है, पहला मतदान जो है 1 तारीख को होना है, फिर 5 तारीख को होना है, क्या सीन आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट होगी बट विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो जो उन्होंने
टारगेट रखा है 150+, या पहले इनिशियली जब कैंपेन शुरू किया तब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो 182 बोल रहे थे कि सारी की सारी सीट्स लाएंगे, जितनी विधानसभा है सारी विधानसभा सब जीत लेंगे हम। बट आई थिंक वो मुश्किल से 100-110 तक पहुंचेंगे, वो भी काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि आप अगर देखें तो उनके बीजेपी के जितने CMs है, जितने स्टार प्रचारक है, इवन इंक्लूडिंग PM एंड होम मिनिस्टर, पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली गुजरात में ही है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे कि प्रधानमंत्री जी की सभा में पब्लिक नहीं हो रही है। और उसके बहुत इम्पोर्टेंट कारण अगर देखें, जैसे प्रसाद जी ने भी बताया कि गुजरात मॉडल जो फेक मॉडल है वो अभी एक्सपोज हो रहा है और हो गया है ऑलमोस्ट, और इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कोविड की वजह से जो जॉब लॉस हुए है बहुत सारे लोगों के, छोटे और मध्यम उद्योगों को जो नुकसान हुआ है, ये सारे को अगर मिला के देखें तो बहुत ही हाई एंटी इनकम्बेंसी इस बार बीजेपी के खिलाफ है। इसीलिए आई थिंक अगर स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके लड़ते तो काफ़ी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी बदल जाती। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही? कांग्रेस ने मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जो समझा हूँ, कि अब तक के जितने भी इलेक्शन हुए गुजरात में या इवन नेशनल इलेक्शन में, उसमें कांग्रेस उनके बीजेपी के ट्रैप में फंस जाती थी। बीजेपी ऑलवेज वांटेड कि मोदी वर्सेस राहुल हो, फेस वैल्यू पे बातें हो, बट इस बार कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ही सभा की है अब तक, अभी कुछ ही दिन बचे हैं और शायद हो सकता है एक दो और करे, बट वो जो फेस वैल्यू पे बीजेपी चाहती थी कि वो लोग आ जाए और मोदी वर्सेस राहुल हो डिस्कोर्स पूरा, वो कांग्रेस ने इस बार पूरा अवॉइड किया है। और कांग्रेस पिछले मैं ग्राउंड पे गांव-गांव में जहां देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रही है, उन्होंने बहुत साइलेंटली काम किया है। बट हमेशा से आप देखो 2001 से, इवन जब से बीजेपी आई 95 से, तब से लेकर कंसिस्टेंट रहा है कांग्रेस का वोट शेयर। चाकू जी, आप ये थोड़ा सा बताइए कि आम आदमी पार्टी इस बार एक नया खेल, नई खिलाड़ी है गुजरात चुनाव के लिए, काफ़ी दावे हैं उसके, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अपना दूसरा घर गुजरात को बना लिया है, कितना असर पड़ेगा और आप क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी की गुजरात में संभावनाएं? आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खाता तो खोलेगा ही, मेरे ख्याल से सूरत और कुछ इलाकों में उनका शायद वेटेज है, मतलब वहाँ पे आने की संभावना है, कुछ सीटें आने की संभावना है। इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके स्टेलर जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं बीजेपी के, सब लोग सूरत पर ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी पावर में आएंगे, उतने उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बीजेपी का कोर वोटर्स हमेशा बीजेपी को ही देंगे वोट, लेकिन एक वर्ग है जो बीजेपी के विकास के नाम पे और नॉन करप्शन वगैरह जो मुद्दों को लेके बीजेपी को वोट देते हैं, दोज पीपल आर नॉट आर द वंस हु आर डिसग्रंटल्ड। गुजरात मॉडल के जो फेलियर है, जो गुजरात मॉडल ये लोग समझते थे, उसका फेलियर तो बिल्कुल खासकर पिछले 2-3 साल से तो वो बाहर आ चुके हैं, इसलिए काफ़ी लोग डिसग्रंटल्ड हैं, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। तो उन लोगों को उन लोगों के कुछ वोट्स तो बिल्कुल शायद कांग्रेस की और जो भी विकल्प है उसमें जाना संभव है, जाने की हाँ। कोशिश करेंगे। ये बताएं कि अहमदाबाद में अभी हम हैं और तकरीबन ये माना जाता है कि जो शहरी 45 सीटें करीब वो तकरीबन बीजेपी की झोली में रहती है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। इस बार आपको क्या लगता है, अहमदाबाद में है यहाँ पर, क्योंकि एक दो और खिलाड़ी भी हैं, MIM है, ओवैसी जी भी हैं, आप तो है ही है,
क्या शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का कुछ असर पड़ा है, अगर हम सूरत को छोड़ दें तो? सूरत को छोड़ दे तो नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। अहमदाबाद में भी नहीं है आम आदमी पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस, नहीं है, उनके कैंडिडेट भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अहमदाबाद में तो बीजेपी कांग्रेस नंबर वन नंबर टू रहेगी, बट मुझे लगता है अहमदाबाद शहर के जो पेरिफरी वाली जो सीट्स है, जो कि तकरीबन 5-6 है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मिला दे तो 14 सीट है शायद, तो उसमें से 6 या 7 सीट ऐसी है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेक टू नेक फाइट है और हो सकता है कि कांग्रेस की सीट निकले इस बार। मिसाल के तौर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम, जैसे सानंद है, फिर ये वेजलपुर है, फिर नरोड़ा है, अमरायवाड़ी है, नरोड़ा भाई जहाँ से उन्होंने 2002 के जो अक्यूज थे, जो गुनहगार है, कन्विक्टेड गुनहगार जो है, उनकी बेटी को जो चुनाव लड़ाया है, और ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट है अक्रॉस द स्टेट। तो सिर्फ जैसे बिल्किस बानू के जो कन्विक्ट को छोड़ा गया था और उनको एक संस्कारी ब्राह्मण है इसलिए उनको छोड़ना चाहिए, जरूरी था, ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दे दिया है। और भी एक दो है जो 2002 में काफ़ी एक्टिव थे, उनको भी वापस रिपीट किया है। देवर ऑलमोस्ट लाइक कि बीजेपी से ही गायब हो गए थे, पर अचानक से कैसे वापस आए वो भी एक मिस्ट्री है अभी तो। ऐसा लग रहा है कि उनको क्यों वापस लाए। फिर अभी जो जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में कैंपेन चला है और 2002 को वापस लाया गया है, तो समझ में आता है कि वो डॉट कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। क्या गुजराती मतदाता का सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है, उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? क्योंकि मुझे जो दिखाई देता है कि गुजरात भारतीय लोकतंत्र का एक अलग ढंग का प्रयोगशाला है। यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें घटित हुई शायद किसी और राज्य में ऐसा नहीं हुआ, और जिस तरह से 2002 जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर खुलकर लोगों की हत्या हुई, मुसलमानों की हत्या हुई, वो आज भी एक मुद्दा है। तो क्या ये जो मतदाता है इसके लिए कोई और मुद्दा अहम का होता है या नहीं होता, या गुजराती गौरव ही पर वोट होता है? सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से ज़्यादा बदल नहीं हो चुका है हाल के लिए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला गया ऐसा इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक तो 2002 का कम्युनल हेट्रेड, पोलराइजेशन, ये मुद्दे तो अभी भी रेलेवेंट है, इसलिए उसमें ये लोग वापस जा रहे हैं। खास करके जब चुनौती है उनके सामने, जब उनका मॉडल फेल हो जाता है, तब बिल्कुल इसको याद दिलाना पड़ता है। लेकिन 95 से बीजेपी थी पावर में, फिर भी 2002 में उनको ये कम्युनल पोलराइजेशन का एजेंडा वहाँ चलाना पड़ा। अब तो उसके बल पे और 20 साल तो चला, शायद और 5-7 साल चल सकते हैं, उसके बाद तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि फिर रियल इश्यूज विल कम टू द फोरग्राउंड, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि आदिवासी इलाके में कुछ सुबुगाहट है, कुछ मुद्दे हैं जो इस बार दिखाई देंगे हमको? आदिवासी इलाके में इनिशियली जब आम आदमी पार्टी ने एंट्री किया था बीटीपी के साथ अलायंस करके वगैरह, तो काफ़ी सारे लोग आपके तरफ आकर्षित हुए थे, बट वो अलायंस टूट गया एक ही हफ्ते में या 10 दिन में, और फिर वापस सब लोग कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ कुछ, जैसे जिंदाल का प्रोजेक्ट है, नर्मदा तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये जो लाने की कोशिश की, जिससे काफ़ी सारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन घर ये सब बर्बाद होने वाले थे, तो 2 साल से, ऐसा नहीं कि इलेक्शन की वजह से, पर पिछले 2 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स चले हैं, जिसमें हजारों आदिवासी जुड़े हैं, तो वो एक गुस्सा बहुत क्लियर था। बट लग रहा था कि शायद अगर आम आदमी पार्टी एक्टिवली उसमें इन्फिल्ट्रेट करेगी तो फिर वो आदिवासी वोट बट जाएगा बिटवीन कांग्रेस एंड आप। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर अंडर प्ले कर रही है, और कांग्रेसियों का कहना है कि वे जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में
वह मोदी बनाम राहुल की लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपने पैर जमाए हैं और हिंदुत्व का कार्ड बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी खेल रही है, जिसे लेकर भाजपा में बौखलाहट है। आखिर होगा क्या, आप हमारे साथ सफर कीजिए, इंतजार कीजिए, हम आपको देंगे ग्राउंड रिपोर्ट अलग अलग जगहों से। शुक्रिया।